नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबर से। गदागंज पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ में एक गौ तस्कर को गोली लगी है जबकि दो अन्य फरार हैं। फरार गौ तस्करों के तलाश में पुलिस कॉम्बिंग कर रही है। पुलिस के मुताबिक गदागंज थाना इलाके में दोपहर के समय एक ट्रक को जांच के लिए पुलिस ने रुकवाया था। पुलिस को देखकर उस पर सवार तीन लोग ट्रक छोड़कर फरार हो गए थे। पुलिस ने ट्रक की जांच की तो उसमें 28 गौवंश मिले हैं। पुलिस गौ तस्करों की आशंका हुई तो तीनों की तलाश शुरू कर दी है। रात में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि तीन संदिग्ध लोग गोविंदपुर माधव नगर के जंगल में नहर के पास मऊजूद हैं। गदागंज व डलमऊ थाने की पुलिस मौके पर पहुंची तो संदिग्ध लोगों ने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई है तो एक युवक के पैर में गोली लगी है और वह गिर गया जबकि दो अन्य अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने घायल बदमाश से पूछताछ की तो उसने खुद को औरैया का रहने वाला बताया। रेश नाम के इस बदमाश ने बताया कि वह गायों की तस्करी कर बिहार ले जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक रेश पहले भी जेल जा चुका है। पुलिस फिलहाल घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद फरार तस्करों की तलाश में जुटी है। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए अरुण यादव की रिपोर्ट। डॉक्टर एस के सिंह, यमो जिला अस्पताल रायबरेली। पुलिस मुठभेड़ का मामला है, क्या है? एक रईस नाम का 43 साल का व्यक्ति राम सनेही पुलिस द्वारा लाया गया है। जो राम सनेही पुलिस हैं ये गदागंज थाने के रहने वाले हैं और जो रईस लाया गया इसके बाएं पैर में गोली लगी है। बाकी ये गोली कैसे लगी कॉन्स्टेबल द्वारा यही पता चला कि मुठभेड़ में मारा गया है। मुठभेड़ में गोली लगी है बाएं पैर में इसके। जो ये जिसको गोली लगी है ये औरैया जिला का रहने वाला है। बाकी गदा डी था उस वहाँ से सीएससी से रेफर था जिसको एडमिट कर दिया गया, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। किसको पकड़ा गया है, कितने लोग फरार चल रहे हैं? आज शाम को चेकिंग के दौरान चोब नाला बॉर्डर जो गदागंज और ऊंचाहार के बॉर्डर पे है वहाँ पर पुलिस को सूचना मिली कि एक गोवंश से लदा हुआ टैंकर जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस वहाँ पहुँची और उसने जो है वो टैंकर को रोकने की कोशिश की। टैंकर को खड़ा करके उसमें से तीन व्यक्ति जो है वो फरार हो गए। इसके लिए उन तीनों व्यक्तियों के लिए लगातार कॉम्बिंग कराई जा रही थी। शाम 7:30 बजे मुखबिर खास ने बताया कि कुछ व्यक्ति जो है संदिग्ध अवस्था में डलमऊ गदागंज बॉर्डर पे हैं। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर गदागंज और इंस्पेक्टर डलमऊ ने कॉम्बिंग करते हुए वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर तीन व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिए। जब पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पार्टी को फायर किया। उस फायर में पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ फायर किया जिससे एक बदमाश को गोली लगी और दो बदमाश मौके से फरार हो गए। जब उस बदमाश से पूछताछ की गई तो पता चला उसका नाम रईस है जो औरैया जिले का रहने वाला है और जो गोवंश ये लोग उस कैंटर में ले जा रहे थे उस पर हरियाणा का नंबर पड़ा हुआ है और उसमें 28-29 करीब गोवंश हैं और उसको वो बिहार ले जा रहे थे। इसमें से दो व्यक्ति फरार हो गए हैं और एक व्यक्ति को जिसको गोली लगी उसको अस्पताल लाया गया है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आपराधिक इतिहास की बात की जाए तो अभी तक क्या चल रहा है? अभी तक जो प्रथम पूछताछ में बात आई है इसने स्वीकार किया है कि ये कई बार जेल गया है बनारस से और अन्य जनपदों से। इसके बारे में भी विस्तृत छानबीन कराई जाएगी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।